उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 के लिए हर सियासी दल पूरी ताकत लगा रहा है। हाल ही में बीएसपी सुप्रीमो ने चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले ताल ठोकेगी, तो वहीं अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पूरी तरह से तैयार लग रहे हैं। उन्होंने जनता के बीच जाकर वोट मांगने के लिए अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। तो किस प्लान से अखिलेश विरोधियों को करेंगे परेशान, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। कांग्रेस से बीजेपी और एसपी से बीएसपी तक हर कोई अपनी रणनीतियों के सहारे जीत का ख्वाब देख रहा है, जिसके लिए अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कमर कस ली है। जी हां, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक कार्यक्रम के दौरान सत्ताधारी बीजेपी पर जमकर बरसे और साथ ही अपने प्लान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में मुझे अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए राम और हनुमान को पकड़ने की जरूरत नहीं है, काम को पकड़ूंगा, अपने काम पर वोट मांगूंगा। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि इस बार साइकिल और सभी जाति धर्म को मिलाकर चुनाव जीतेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने दिल्ली सरकार के काम का बखान करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने काम पर वोट किया, भाषण पर वोट नहीं किया। अब ऐसा ही काम उत्तर प्रदेश की जनता भी करेगी। काम बोलता है का नजारा 2022 में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि हम काम पर बात करना चाहते हैं, बात इस पर होनी चाहिए कि सबसे पहले हाईवे कौन बना सकता है। प्रदेश में इतनी बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति जी आए, लेकिन कितना विकास हुआ ये बताओ। एमओयू तो किसी के भी साथ कर सकते हैं। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से समाजवादी हटा दिया और उसे पूर्वांचल एक्सप्रेस कर दिया गया। बीजेपी वाले सपा सरकार के काम को अपना बता रही हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी अब एकला चलो की राह पर है। ऐसे में अखिलेश यादव का ये फैसला और ऐसे तेवर उन्हें एक बार फिर सूबे की सत्ता पर काबिज कर पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।